दोस्तों, आपने करेला खाया होगा। आज आपको बताएंगे करेले के लगाने की विधि, पूरा विधि बताएंगे आपको, खेत में कैसे लगाया जाता है और अभी कैसे लगा सकते हैं, और इसका कब कब लगाना चाहिए और किस मौसम में लगाना चाहिए, कौन कौन विधि से लगाना चाहिए और कैसे कैसे लगाना चाहिए। पूरा वीडियो देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा और क्या क्या करना होगा खेत में, सारा चीज़ हम बताएंगे। इसके लिए आप मेरे वीडियो पर पहली बार आए हैं तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करें। करेला के किस्म जैसे है जौनपुरी, झलारी, सुपर कटाई, सफ़ेद लौंग, ऑल सीजन हरिकारी, भाग्य सुरुचि, मेघा F1, वरुण वन, पूनम, तिजारावी, अमन नंबर 24, और BNR का भी आता है। BNR का बहुत अच्छा रहता है, इसके लिए आपको ज़्यादा पैसा लगाने की आवश्यकता होती है। BNR में जलवायु करेले के अच्छे उत्पादन के लिए गर्म आर्द्र जलवायु के अत्यधिक उपयुक्त होती है। यह पूरा भारत में उगता है। 20 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिकतम तापमान 35 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच होनी चाहिए। बिहार UP में ऐसे बहुत अच्छा से ये उगता है और करेले की अच्छी जल निकासी होना चाहिए। आप उसके लिए ऊपर मेड़ बना दे, मेड़ पे ही करेला का पेड़ लगाया जाता है और नीचे जो रहता है जल स्रोत लगाने की विधि रहती है। और करेला के लिए आपको गर्म तापमान की आवश्यकता होती है, करेले के लिए गर्म जलवायु की आवश्यकता होती है। करेला आपको 6.5 से 7.5 PH रेंज के बीच लगाया जाता है और करेले का उत्पादन नदी के किनारे जलोढ़ मिट्टी में बहुत अच्छा होता है। इसके लिए आप नदी के किनारे में देखिएगा तो बहुत अच्छा अच्छा बाग रहेगा। और ऐसे तो बिहार में बहुत जगह पे खेती की जाती है, एक दो प्लांट तो आप घर में भी लगा सकते हैं। अगर घर में लगाना है गमला में तो इसके लिए आप गार्डनर दोस्त को लाइक सब्सक्राइब शेयर करें। बुआई, खेत की तैयारी, जमीन को पूर्व जमीन को एक दो बार क्रॉस वाइज से जोतना चाहिए। इसके लिए आप रोटावेटर का प्रयोग कर सकते हैं, रोटावेटर से अच्छी तरह जुताई हो जाता है। और इसके बाद 2 से 1.5 गुने की दूरी पे आपको इसको 2 फीट और 1.5 मीटर की दूरी पे आपको इसका जो होता है वो बना दे मेड़, और 30 गुने 30 गुने 30 सेंटीमीटर का गड्ढा खोजे, बेसिन बनाए, उस मेड़ के ऊपर में ही 30 गुने 30 सेंटीमीटर का रहेगा। वह तीनों गोलाई, लंबाई, चौड़ाई सब 30 सेंटीमीटर का रहेगा। बुआई के समय गर्मी के मौसम फसल जनवरी मार्च में बोया जाता है, और आपको अगर ठंड के मौसम में लेना है तो जून जुलाई में, ऐसे तो पहाड़ी एरिया में मार्च से जून के बीच बोया जाता है। अभी अच्छा समय है, आप ज़रूर करेला का बीज लगाएं और प्लांट लगाएं और बहुत ज़्यादा आप कमा सकते हैं। और इससे थोड़ा अर्ली आप रोप लेते तो और भी ज़्यादा रहता, लेकिन अभी बुआई है, 1 महीना आपको 80 रुपये KG वाला में ही पकड़ा जाएगा। बीज को डिब्बा विधि से 120 से 90 फसल बोया जाता है। डंबिंग विधि से 3-4 बीजों को 2.5 से 3 सेंटीमीटर की गहराई के गड्ढे में बोया जाता है। एक बीज आप नहीं बोए, एक बीज ऐसे BNR का तो एक ही बीज लोग लगा देते हैं, और 2-3 बीज आप लगा सकते हैं। ऐसे तो और भी तरह का वेराइटी है, आप अपने नज़दीकी केंद्र से देख लें या हम लिंक जो दे देंगे उससे आप खरीद सकते हैं BNR का, और सब चीज़ का आप अमेजन से देख सकते हैं। उर्वरक की मात्रा, किस मिट्टी की उर्वरकता, जलवायु, रोपण, मौसम पर निर्भर करता है। आमतौर पर अच्छी तरह के बीघा टीर FYB 15 से 20 हेक्टेयर प्रति जुताई के दौरान दे दें। और इसमें आप गोबर का भी प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन गोबर 1 ट्रॉली ही दे सकते हैं। गोबर देने के लिए आपको 1 ट्रॉली गोबर आपको 5 कट्ठे में लगता है, जो कि आपको यहाँ बिहार में तो 2,000 रुपये आ जाता है। और इसमें 40 से 50 KG, 50 से 100 KG नाइट्रोजन और 40 से 60 KG फास्फोरस और पोटास, 30 से 60 KG और पोटेशियम ऑक्साइड, वही 30 से 25 KG आप दे दें। ऐसे NPK के भी आप के दे सकते हैं, वो भी 20 KG के प्रति, मतलब 20 से 30 KG के प्रति कट्ठा दे दीजिएगा। 30 KG बहुत ज़्यादा हो जाता है, इनके पीके में यही महंगा रहता है, लेकिन बहुत अच्छा हो जाता है। और 6 से 7 मीटर की दूरी पे उसका जो होता है आप रस्सी के सहारे ऊपर लटका दें, बगल में दो ये दे दें अपना गाड़ दे बस, और उससे ऊपर लटका दे। और सिंचाई के लिए बीजों को डुबाए, पहले बीज को 1-2 दिन के लिए डुबा दें और उसके बाद उसका बुआई होता है। और सिंचाई सप्ताह में एक बार तो करना होगा, अब यहाँ गर्मी ज़्यादा पड़ता है तो सप्ताह में 2 बार भी करना होगा, वो आप अपने नज़दीकी देख ले जो गर्मी कितना है। और उसका निराई गुड़ाई तो 2-3 बार महीने में आपको करना होगा, 2-3 बार अपना खरपतवार नहीं भी रहे तब पर भी पानी के बाद 1-2 दिन बाद आपको निराई गुड़ाई कर देना है। 2 दिन नहीं, सप्ताह भर लगता है। पहली निराई गुड़ाई 30 दिन के बाद की जाती है, मतलब पहला निराई गुड़ाई
निराई गुड़ाई मासिक अंतराल पर की जाते हैं, और ये इसका 55 से 60 दिन में आपको फसल आ जाता है। आगे की तुराई 2-3 दिन के अंतराल पर करनी पड़ती है, मतलब 2-3 दिन में आप जरूर तुराई कर लें, नहीं तो ज़्यादा कम तुराई के कारण उसका ख़राब हो जाता है और वो तुरंत पक जाता है। पकने का इसमें सबसे ज़्यादा समस्या रहता है, और इसका जल्दी से मार्केट धर लीजिएगा, पीले नारंगी ना हो जाए तब तक थोड़े, कटाई सुबह के समय ही करना चाहिए और फलों की कटाई छाया में करना चाहिए। एकदम 4 बजे आप कीजिएगा तो 5 बजे तक आप मंडी कहीं पे नज़दीकी मंडी में पहुंच जाइए, और 8 से 10 हेक्टेयर तक की जाती है फल की उपज। ऐसे तो बिहार में एक गांव है समस्तीपुर में, वही ये करेला का भाव खोलता है, मतलब बिहार के लिए। वो गाँव का नाम मुझे अभी याद नहीं है। करेले की उपज खेती प्रणाली के मौसम 8 से 10 टन भिन्न भिन्न होती है, मतलब